गुड मॉर्निंग सीमा। कैसे गुड मॉर्निंग सर। दो तीन मिनट वेट करते हैं ताकि बाकी टीम आ जाए, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके ओके सर। अपन ने जब अपेक्स ट्रिगर पढ़ा था तो उस समय अपना फ्यूचर मेथड वाला सिनेरियो कवर हो गया था क्या? नो सर। बाकी वो है ना, और ट्रिगर से एड एरर, जैसे अगर कोई वैलिडेशन रूल अपने ट्रिगर से बनाना है तो वो कवर हुआ था। वो डिलीट के लिए करते हैं ना सर, ऐड एरर मैसेज। हेलो, सर डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसके लिए हम ऐड एरर यूज करते हैं नहीं ऐसा नहीं है। अगर कोई, जैसे क्या होता है कि अपने पास हर चीज के एक लिमिटेशंस होती है सेल्सफोर्स में। जैसे ना। मान लो वैलिडेशन रूल की भी है कि आप इतने रूल बना सकते हो, तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, जब अगर अपने को वन लाइनर वैलिडेशन रूल है तो अपन उसको ट्रिगर में भी लिख देते हैं ताकि वहां पे उसकी लिमिट ना बढ़े और अपना यहाँ ट्रिगर से काम हो जाए। सर ये वाला नहीं हुआ था। ठीक है, वो भी अपन आज देख लेते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ मेरी ना। उससे पहले वो भी टास्क असाइनमेंट दिया था सर ने, वो हुआ नहीं है कंप्लीट, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। कंपोनेंट तो वो दीपक सर ने असाइनमेंट दिया था, वीएफ कंपोनेंट का दिया था, राइट? का नहीं सर, वो दिया था अकाउंट के रिकॉर्ड लिस्ट डिस्प्ले करवानी है
और उसके आगे बटन बनाना है और वो नेक्स्ट पेज ने, उससे नेक्स्ट फॉर्म खुलना चाहिए। ठीक है, तो अभी दीपक सर कॉल में आएंगे, आई थिंक वो 15-20 मिनट लेट ज्वाइन करेंगे, तो लास्ट में उनको कॉल के बाद बता देना आपने, है ना, ओके वो सर। चेक कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, तो मेरे पास कॉन्टेक्ट पर कोई ट्रिगर नहीं है, तो अपन कॉन्टेक्ट पर स्टार्ट करते हैं। ओके तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि वैलिडेशन रूल को ट्रिगर में कैसे लिखते हैं, राइट। तो जैसे मान लो मेरे को वैलिडेशन रूल ये लगाना है कि कॉन्टेक्ट पर जो फोन नंबर है वो एक रिक्वायर्ड फील्ड करना है मेरे को, मतलब बिना फोन नंबर डाले मैं कॉन्टेक्ट को इंसर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो पहले मैं एक बार बिना फोन नंबर डाले कॉन्टेक्ट इंसर्ट करता हूँ, वो होता है या नहीं होता। ओके ठीक है, तो अभी मैं कॉन्टेक्ट इंसर्ट कर पा रहा हूं, मेरी आवाज आ रही है? यस ठीक है, तो अब मैं कॉन्टेक्ट पे ट्रिगर लिखता हूँ और ट्रिगर से मैं वैलिडेशन रूल को इम्प्लीमेंट करूंगा। ठीक है ना, सेम चीज मैं वैलिडेशन रूल से भी कर सकता हूँ, सेम चीज मैं पेज लेआउट से भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर कई बार ऐसे सिनारियो हो जाते हैं रियल टाइम पे जो अपने को वैलिडेशन रूल ट्रिगर में लिखने पड़ते हैं। ठीक है ना, तो ट्रिगर में अगर आपने वैलिडेशन रूल लिखा है तो आपको एरर लेआउट के ऊपर कैसे दिखानी है वो अपन देखते हैं। ठीक है, अपने ट्रिगर का फ्रेमवर्क लास्ट टाइम देख लिया था कि कौन कौन से क्लासेस बना के ट्रिगर को हैंडल कर जाता है। ठीक है, मैं फिलहाल ट्रिगर में सारा कोड कर रहा हूँ। फ्रेमवर्क मैंने आपको अकाउंट ट्रिगर में बताया था कि ट्रिगर हैंडलर होती है, ट्रिगर होता है इस तरीके से, है ना, जो एक डोमेन क्लास होती है। ओके
ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक ट्रिगर बनाया जो मेरा किस कंटेक्स्ट में चल रहा है, बिफोर इंसर्ट पे। ठीक है, बिफोर इंसर्ट पे क्या करा, जो भी ट्रिगर डॉट न्यू आया उसको मैंने इटरेट करा है। इटरेट करने पे मैं चेक करा कि अगर फोन नल है तो उस कॉन्टेक्ट रिकॉर्ड पे मैंने एरर को ऐड करा है। यहाँ से आप जो भी एरर को ऐड करते हो ये आपको लेआउट पे डिस्प्ले होती है। तो मैंने मैसेज क्या डाल दिया, फोन इज मैंडेटरी। ठीक है, बिना फोन के वो ट्रिगर को इंसर्ट नहीं कर पाएगा, वो सॉरी रिकॉर्ड को इंसर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसको अपन चेक करते हैं। इसके पहले मैंने अभी आपको करके बताया जब मैं इंसर्ट कर पा रहा था, अब अपन कर सकते कि नहीं कर सकते। तो आ गया मेरे पास, फोन इज मैंडेटरी। यस सर। तो इस तरीके से अपन ट्रिगर में वैलिडेशन रूल बना सकते हैं, और डॉट एड मतलब जो आता है ना एड एरर, उससे अपन एरर मैसेज को उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे ऐड कर सकते हैं। मान लो अगर आपने डेटा लोडर से अगर आपने 20 कॉन्टेक्ट एक्स्ट्रा इंसर्ट करें और 20 कॉन्टेक्ट में अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, 10 में होती है, तो 10 रिकॉर्ड आपके इंसर्ट होंगे, जो 10 में एरर एड होगी वो आपको वहाँ डेटा लोडर पे जो एरर फाइल आएगी उसके लास्ट में आपको एरर मैसेज ये वाला दिखेगा। ठीक है, तो ये तो अपना था एड एरर वाला। इसमें कोई डाउट था बताओ। नो ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें जैसे वैलिडेशन रूल में क्या होता है, अपन जब वैलिडेशन रूल लिखते हैं तो वहां पे अपन पेरेंट वाली, जैसे मान लो अकाउंट और चाइल्ड में रिलेशनशिप है, अकाउंट इज पेरेंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो कॉन्टेक्ट इंसर्ट करते टाइम आप पेरेंट के फील्ड्स को भी चेक कर सकते हो वैलिडेशन रूल में। वो सेम काम आप ट्रिगर में भी कर सकते हो। यहाँ पे आपके अकाउंट आईडी को आपको एक सेट बना के उसका क्वेरी करना पड़ेगा, अकाउंट के जो फील्ड आपको चेक करने वैलिडेशन रूल में यहाँ पे ट्रिगर में, और देन उसे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे भी सारा काम आप कर सकते हो जो आप वैलिडेशन रूल से कर सकते थे। उसके बाद अपने पास एक होता है फ्यूचर मेथड। क्या होता है, तो फ्यूचर मेथड जैसे फॉर एग्जांपल कि सेम रिकॉर्ड पे आप काम नहीं कर सकते आफ्टर मोड के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया था ट्रिगर स्टार्ट करते टाइम कि इसमें दो कंटेक्स्ट होते हैं, बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, अगर आप सेम रिकॉर्ड पे आपको कोई लॉजिक इंप्लीमेंट करना है या कुछ बिजनेस लॉजिक लगाना है तो आप बिफोर वाले पे लगाओगे, आफ्टर पे नहीं लगाओगे। आफ्टर आपको आप काम में लेते हो जब आपको उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट पे काम करना है। जैसे मेरे को कॉन्टेक्ट से रिलेटेड अकाउंट पे काम करना है, या अकाउंट से रिलेटेड केस पे काम करना है, या कॉन्टेक्ट से रिलेटेड केस पे काम करना है, तो मैं आफ्टर में वो लॉजिक लिखूंगा। और अगर मेरे को सेम रिकॉर्ड पे कॉन्टेक्ट पे ही काम करना और कॉन्टेक्ट का ट्रिगर है तो मैं बिफोर पे काम करूंगा। ठीक है, लेकिन रियल टाइम में कई बार चीजें ऐसी होती है कि हमको सेम रिकॉर्ड पे आफ्टर में भी काम करना पड़ता है, या हमको इस तरीके से जहाँ पे एक्सेप्शन आने का चांस होता है। जैसे मान लो कि मिक्स डीएमएल एक्सेप्शन आती है जब हम सेटअप एंड नॉन सेटअप मेथड में साथ में काम करते हैं। तो सेटअप और नॉन सेटअप मेथड जब साथ में काम करते हो, चाहे आप बिफोर में करो चाहे आप आफ्टर में करो, हमेशा आपको एरर मिलेगी ही। ठीक है, तो उससे ओवरकम करने के लिए सेल्स पर्सन हमको क्या बोलता है, आप फ्यूचर मेथड यूज करो। फ्यूचर मेथड के दो तरीके होते हैं। मैं एक अलग से क्लास बना के वहां पर काम में लेता हूँ। ठीक है, तो एक नोटेशन तो आपका होता है एट द रेट फ्यूचर, होता है एट द रेट फ्यूचर में कॉल आउट इक्वल टू ट्रू। ठीक है,
तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों आपकी एसिंक्रोनस कॉल होती है. एसिंक्रोनस इन द सेंस कि वो सिंगल ट्रांजेक्शन में काउंट नहीं होती, इसके लिए नई ट्रांजेक्शन आपकी बनती है फ्यूचर मेथड के लिए. तो ऐसा कुछ सिनेरियो जो आप ट्रिगर से अपडेट नहीं कर पा रहे, आपको एक्सेप्शन आ रही है, वो अपन फ्यूचर मेथड से काम करते हैं. ठीक है, तो फ्यूचर में कॉल आउट इक्वल टू ट्रू का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो मेरे को कोई वेब सर्विस कॉल करनी है ट्रिगर से, ट्रिगर से आप कभी भी सेल्स पर्सन से वेब सर्विस डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते. इसका रीजन ये होता है कि वेब सर्विस जो होगी वो आपकी एसिंक्रोनस कॉल होगी, उसका रेस्पॉन्स कब तक आएगा, ट्रिगर उतनी देर वेट नहीं करता. ट्रिगर क्या होता है, इमीडिएट एक्शन परफॉर्म करता है कि जैसे ही आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ उसको क्या एक्शन परफॉर्म करना उसने करा और आगे बढ़ गया. तो ट्रिगर कभी भी वेब सर्विस के रेस्पॉन्स के लिए वेट नहीं करता. तो अगर आपको वेब सर्विस ट्रिगर से कॉल करनी है तो आप क्या करोगे, फ्यूचर कॉल आउट इक्वल टू ट्रू करके और मेथड को वहां पे लॉजिक लिख के उसको कॉल कर दोगे मेथड को. इसका रेस्पॉन्स आता रहेगा, ट्रिगर अपना काम करके निकल जाएगा. क्लियर है दोनों में फ्यूचर और फ्यूचर कॉल आउट इक्वल टू ट्रू में क्या डिफरेंस है? यस ये एरर क्यों आ रही है? सर, सेट ऑफ आईडी में नेम भी तो देना। अच्छा सॉरी, और फ्यूचर मेथड के जो पैरामीटर्स होते हैं वो आपके हमेशा प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं. प्रिमिटिव इन द सेंस इंटीजर, इस तरीके से आप एस ऑब्जेक्ट फ्यूचर मेथड में पास नहीं कर सकते, या एस ऑब्जेक्ट का कोई फील्ड आप फ्यूचर मेथड में पास नहीं कर सकते. लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट अगर आपको करना जरूरी है तो आप क्या करोगे, एस ऑब्जेक्ट की जो लिस्ट है उस लिस्ट को आप पहले में आएगा देन यहाँ पे पास करके उसको वापस डिसीरियलाइज कर लोगे मेथड के अंदर. तो इस तरीके से आप कर सकते हो. एक छोटा सा एग्जांपल अपन देखते हैं. जैसे मान लो कि मेरे को कोई ऐसा काम करना पड़े जो मेरे को आफ्टर इंसर्ट में करना है. ठीक है, तो अपन एक कंटेक्स्ट देखते हैं.
मैंने क्या करा है, ट्रिगर के अंदर जब भी मेरा आफ्टर अपडेट चलेगा तो आफ्टर अपडेट पे जिस पे मोबाइल फोन अवेलेबल नहीं होगा उस पे मैंने मोबाइल फोन डिफॉल्ट सेट कर दिया, ठीक है। लेकिन ये आफ्टर अपडेट में करा, आफ्टर अपडेट में क्या होता है सेम रिकॉर्ड पे आप काम नहीं कर सकते तो एरर आएगी, फिर इसको अपन फ्यूचर से करेंगे, ठीक है। जैसे रिकॉर्ड मैंने अभी बनाया था इसमें मोबाइल फोन ब्लैंक है अभी, ठीक है, मैं इसमें कुछ अपडेट करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ट्रिगर फेल गया, मतलब ट्रिगर ने काम करना बंद कर दिया, उसने बोल दिया कि रिकॉर्ड इज ओनली रीड ओनली मोड, आप इसको अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब सेम चीज को मैं कहाँ से करूंगा, फ्यूचर मेथड से करूंगा। तो मैं यहाँ पे फ्यूचर मेथड कॉल कर लेता हूँ, ओके। ये जो सेम लॉजिक था ये मैं फ्यूचर मेथड में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या करा है, जब भी मेरा ट्रिगर चलेगा कॉन्टेक्ट रिकॉर्ड को मैंने चेक करा, अगर मोबाइल फोन ब्लैंक है नल है तो मैं सेट ऑफ आईडी, मैंने एक इंस्टांस बनाया उसमें उस कॉन्टेक्ट रिकॉर्ड की आईडी को ऐड कर दिया, देन ये सेट ऑफ आईडी में क्या करूंगा वहां पास कर दूंगा फ्यूचर मेथड में। अगर ये खाली नहीं है तो ये पास हो जाएगी वहां पर। अब ट्राई करते हैं अपन उसको। है, तो मैंने रिकॉर्ड अपडेट कर दिया और मोबाइल फोन यहाँ पे आना चाहिए था, फिलहाल आया नहीं, क्यों? क्योंकि जो फ्यूचर मेथड है वो आपका एसिंक्रोनस कॉल है, वो पीछे क्यू में जाता है, देन जैसे उसको मौका मिलता है वो अपने आप को एग्जीक्यूट करता है और यहाँ पे रिकॉर्ड को अपडेट करता है। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। वो नहीं अपडेट, क्या बात है? अपडेट कॉन्टैक्ट में सेट ऑफ आईडी बोलता सॉरी मैं इसको अपडेट करना भूल गया।
ये आ गया, ठीक है। तो फ्यूचर में सर कंसेप्ट क्लियर हुआ कि जो काम हम ट्रिगर के सिंगल ट्रांजेक्शन में नहीं कर सकते थे उसको हम फ्यूचर के अंदर कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से अपन कॉल आउट के लिए भी कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास ऐसा कोई कॉल आउट अवेलेबल नहीं है जो मैं आपको एग्जांपल दिखा सकूं, लेकिन जैसे आप वहां पे ट्रेल हेड करते हो, ट्रेल हेड में उसने कुछ हीरो को के कुछ एपीएस दे रखी है आपको, तो उसको यूज करके आप यहाँ पे काम कर सकते हो। ठीक है, तो कॉल आउट का मतलब क्या होता है कि आप कोई वेब सर्विस कॉल करते हो तो वो यहाँ से कर सकते हो। ओके यस ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं टेस्ट क्लासेस के लिए। तो टेस्ट क्लासेस का आइडिया है किसी को? टेस्ट क्लासेस क्या काम आती है? टेस्ट क्लासेस जो हमने क्लास लिखी है वो हाँ कहीं भी ब्रेक ना हो, हर कंडीशन पे वो रन हो। एक बार टेस्ट क्लासेस के पहले एक टॉपिक और बाकी रहेगा आपका, ट्राई कैच एक्सेप्शन, है ना? पहले वो भी देख लेते हैं फिर टेस्ट क्लासेस कवर करते हैं। ओके, तो ट्राई कैच के बारे में कुछ आइडिया है आपको? ट्राई कैच क्या होता है? ट्राई में ट्राई एक्सेप्शन कैच के बारे में नहीं पढ़ा क्या आपने? पढ़ा है सर। हाँ बताइए क्या ट्राई में होता है। एक्सेप्शन थ्रो करता है और कैच जो है उस एक्सेप्शन को हैंडल करता है। अच्छा, तो किस तरह की एक्सेप्शन होती है? अच्छा, अर्थमेटिक एक्सेप्शंस होती है। नल पॉइंटर तो एक्सेप्शंस मैंने एक भी। लिस्ट निकाली थी ना। हाँ बिल्कुल, नल पॉइंटर एक्सेप्शन होती है, मल्टीपल एक्सेप्शन होती है। तो ये सारी लिस्ट है जो मैंने निकाली थी, जैसे एसिंक्रोनस एक्सेप्शन है, कॉल आउट एक्सेप्शन है, डीएमएल, ईमेल, ये तरी मल्टीपल इस तरह की आपकी एक्सेप्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हर एक्सेप्शन का एक वन लाइनर डिस्क्रिप्शन है आपको ये बताने के लिए कि एक्सेप्शन कब आती है आपके पास। ठीक है, और लास्ट में जब ये सारी एक्सेप्शन आपको, जैसे मान लो कोई नेम याद नहीं एक्सेप्शन की कौन सी आनी चाहिए, या अपने को पता नहीं कौन सी एक्सेप्शन आ रही है, तो अपन डायरेक्ट सिस्टम डॉट एक्सेप्शन कर देते हैं, तो वो हर तरह की एक्सेप्शन को कवर कर लेता है। ओके, तो अपन यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, बाकी फिर आप ट्राई करके देख लेना। ये लिंक मैं आपको चैट पर डाल देता हूँ एक बार। यहाँ पे आपको एक्सेप्शन प्लस वन लाइनर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जो मैंने चैट पे डाला है। अपन एक एक्सेप्शन वाला केस करके देख लेते हैं। मैंने एक कंट्रोलर बनाया है सिंपल, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, गेट कॉन्टेक्ट्स,
मैं ट्राई में कुछ कोड ब्लॉक लिखूंगा और इस तरीके से कोड ब्लॉक लिखूंगा कि वहां पे मेरे को क्वेरी एक्सेप्शन आए, ठीक है? तो वहां पे मेरे को क्वेरी एक्सेप्शन आएगा तो इस केच वाले सिस्टम का कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, या फिर ऐसा कोई एक्सेप्शन जो इसको ये कवर ना करता हो उसको लास्ट वाला कैच एक्सेप्शन कवर करेगा, ठीक है? तो मैं कोड लिखता हूँ, मैंने एक सिंगल कॉन्टेक्ट का इंस्टांस लिया है, वो डीएम में लिखिए, अब यहाँ पे मेरे पास कोई वेयर कंडीशन नहीं है, सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम कॉन्टेक्ट में कोई वेयर कंडीशन नहीं है, तो 100% ये लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट को रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट रिटर्न करेगा, तो ये सिंगल इंस्टांस में तो जाएगा नहीं, तो ये क्या होगा, एरर देगा, एरर देगा तो क्योरी एक्सेप्शन की एरर देगा, और वो आपको कहाँ पे आएगा, कैच में आएगा, ठीक है? तो एक बार मैं डिबग प्रिंट करता हूँ ताकि पता चले आपको कि कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है। ये मैंने कंट्रोलर में एक मेथड बना दिया है, मेथड में मैंने ट्राई केस यूज करा है, ठीक है? मेरे अकॉर्डिंग क्योरी एक्सेप्शन आना चाहिए, ठीक है? मैं इस मेथड को एग्जीक्यूट करता हूँ, मेरा ये एसिंक्रोनस विंडो है जहां से मैं कोई भी चीज को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ओके? मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ इस कंट्रोलर के इस मेथड को, ओके? तो प्रिंट हो गया, लिस्ट हैज मोर देन वन रो फॉर असाइनमेंट टू ए सब्जेक्ट, ये मेरी एरर आई है। तो मेरा कौन सा ब्लॉक फायर हुआ है केज का, ये वाला, क्लियर है आपको यहाँ पे? यस सर। अच्छा, अब नल पॉइंटर एक्सेप्शन किस तरीके से आती है, मैंने एक ऐसा रिकॉर्ड जिसका नेम 0987, ठीक है? और ये रिकॉर्ड मेरे डेटाबेस में है ही नहीं, डेटाबेस में है नहीं तो एक रिकॉर्ड क्योरी होके आएगा नहीं, क्योरी होके आएगा नहीं तो ये आपका क्या रहेगा, नल रहेगा, ठीक है? मैंने यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कराया तो डायरेक्ट किसके पास जाएगा, यहाँ पे जाएगा, क्योरी एक्सेप्शन का लास्ट ब्लॉक जो सिस्टम एक्सेप्शन हर तरीके के एक्सेप्शन को हैंडल करता है, ठीक है? दोबारा रन कर रहा हूं मैं इसको, लिस्ट हैज नो मोर असाइनमेंट टू ए सब्जेक्ट क्योरी एक्सेप्शन, ठीक है? इसने तो क्योरी एक्सेप्शन में कवर कर दिया, इसको किस में कर दिया, इस वाले में कवर कर दिया, क्योंकि क्योरी से रिलेटेड एक्सेप्शन थी और रिकॉर्ड नहीं आया, एक नल पॉइंटर एक्सेप्शन का हैंडल, वो रिकॉर्ड और देख लेते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, मोबाइल फोन लिया मैंने और इसको लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट कर लेता हूँ, लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये डायरेक्ट में विदाउट इसको ऐसा कर लेता हूँ, स्ट्रिंग एस, मेरी एस ब्लैंक है और मैं एस में के इनिशियलाइज कर रहा हूँ, एस डॉट टू लोअर केस, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया एस इक्वल टू एस डॉट टू लोअर केस, ठीक है? लेकिन एस है ही नहीं इसमें, एस में कुछ भी नहीं है, तो ये लोअर केस करेगा किसको, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन देगा, ठीक है? और ये मैंने ट्राई में लिखा और ये लास्ट में आएगा,
इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। क्वेरी एक्सेप्शन लास्ट ब्लॉक अटेम्प्ट टू डीरेफरेंस ए नल ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? कई बार इस तरह की एरर अपने को तब फेस होती है, जैसे मान लो मैंने कोई रिकॉर्ड से मेरे को कुछ कन्वर्ट करना है लोअर केस में अपर केस में, लेकिन उस फील्ड पे वो वैल्यू है ही नहीं, तो आपको इस तरह की एक्सेप्शन आती है। इसको आप अगर चाहते हैं तो इसको नल पॉइंटर एक्सेप्शन में कवर कर सकते थे। नल पॉइंटर एक्सेप्शन के लिए जैसे मान लो ये रहा, अब अपन अगर नल पॉइंटर एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया तो वो लास्ट ब्लॉक पे नहीं जाएगा, उसके पहले ही रुक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंट होगा क्वेरी एक्सेप्शन नल पॉइंटर, फिर आपका मैसेज। क्वेरी एक्सेप्शन नल पॉइंटर वाला ब्लॉक प्रिंट हुआ है अटेम्प्ट टू रेफरेंस नल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो जो आप एक्सेप्शन को हैंडल करोगे वो उस एक्सेप्शन के ऊपर चला जाएगा, जिसको हैंडल नहीं करोगे वो लास्ट में सिस्टम डॉट एक्सेप्शन पे चला जाएगा। तो यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका ट्राई केस वाला सिनेरियो था। सब में सेम होता है, चाहे वो सी शार्प हो, डॉट मतलब जावा हो, अपेक्स हो, ट्राई केस सब में मोस्टली सेम ही होता है। ओके, ठीक है, अब अपन आते हैं टेस्ट क्लासेस पे। मेरे पास कोई कंट्रोलर लिखा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। गुड मॉर्निंग दीपक सर। हेलो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, कॉल पर रुकना, आपने कल कुछ असाइनमेंट दिया था तो टीम को उसमें इश्यू आ रहा है, तो वो आपसे डिस्कस करेंगे ना, तो मैं 5-10 मिनट में फिनिश करता हूँ कुछ, फिर उसके बाद आपको स्टार्ट करना आपने, है ना? ठीक है सर। ठीक। तो अपने को कंट्रोलर लिख के उसका टेस्ट मेथड अपन लिखेंगे, उसके पहले मैं कुछ आपको चीजें बताता हूँ कि टेस्ट क्लास में अपने पास क्या क्या होता है। ओके, एट द रेट आपका एक कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड सेल्सफोर्स का, जो आपको ये बताता है कि आपकी क्लास जो है वो टेस्ट क्लास है और जो मेथड है वो टेस्ट मेथड है। मतलब आपको टेस्ट क्लास के आगे पहले भी आपको ये लिखना पड़ेगा एट द रेट इस टेस्ट, और कोई भी मेथड अगर आप लिखोगे तो उसके पहले लिखना पड़ेगा एट द रेट इस टेस्ट। क्लियर है? हेलो, ठीक है ना? तो उससे सेल्सफोर्स से आइडेंटिफाई करता है कि आपका जो मेथड है वो क्या है, टेस्ट मेथड है या टेस्ट क्लास है। उसके बाद यहाँ पे एक होता है एट द रेट टेस्ट विजिबल, ये पता है कब काम आता है? एट द रेट टेस्ट विजिबल कब काम आता है? जैसे क्या होता है, ये इंटरव्यू के क्वेश्चन भी है। मान लो आपका कोई कंट्रोलर है, ठीक है, उसमें टोटल 5 मेथड लिखे हुए, कितने टोटल 5 मेथड लिखे हुए हैं। अब आप कंट्रोलर के जब टेस्ट क्लास लिखोगे तो उस कंट्रोलर में जो 5 मेथड, उस 5ों मेथड्स को आप कवर करोगे, लेकिन उस 5 मेथड में से क्या है, 2 मेथड प्राइवेट है। क्या है?
दो मेथड प्राइवेट है और तीन पब्लिक है. तो पब्लिक मेथड तो क्या होता है, पब्लिक अपने को चीजें एक्सपोज होती है तो उसको अपन कहीं भी कॉल कर सकते हैं. लेकिन अगर आपने कोई मेथड प्राइवेट लिख दिया है तो प्राइवेट मेथड कभी भी क्लास के बाहर अपन कॉल नहीं कर सकते, राइट? हेलो, यस सर. है ना? तो प्राइवेट मेथड कभी भी क्लास के बाहर कॉल नहीं होते. लेकिन अपने को अगर उसके लिए टेस्ट मेथड लिखना है तो हम उस प्राइवेट मेथड के आगे क्या लगा देंगे, @TestVisible. इसको लगाने से क्या होता है कि Salesforce ये चलेगा मान के कि हाँ इसको अपन टेस्ट क्लास में कॉल कर सकते हैं, बाकी कहीं भी कॉल नहीं कर सकते, ठीक है? तो उस सिनेरियो में अपन @TestVisible कीवर्ड को काम में लेते हैं. See all data equal to true. एक कीवर्ड आपका ये होता है. See all data equal to true का मतलब क्या होता है कि जब भी आप टेस्ट क्लास लिख रहे हो और आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा यूज में लेना है टेस्ट मेथड के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपके सेल्सफोर्स और का, अगर ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग डेटा अगर आपका बैकअप में पड़ा हुआ है और वो आपको काम में लेना है तो see all data equal to true करते हैं. लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, ये अपन कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ठीक है? इसका रीजन ये होता है कि मान लो मैं डेवलपर हूं, मैंने मेरे अकॉर्डिंग डेटा प्रिपेयर कर दिया और कोई रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया. हाँ सर, हो गया क्या? सर डिस्कनेक्ट हो गया. अच्छा, वो नेट प्रॉब्लम. हेलो, आपकी क्या क्वेरी थी? सर असाइनमेंट दिया था लास्ट उसमें. जो कल असाइनमेंट दिया था उसके रिगार्डिंग कुछ? यस सर.
उसके अंदर देखो अपन को करना क्या है ये बताता हूँ आपको तीन पेज बनाना है, ठीक है। तीन पेज के अंदर आपको क्या करना है कि एक के अंदर आपको अकाउंट का जो टेबल आता है ना, डेटा टेबल, वो बनाना है। दूसरे में कॉन्टैक्ट का डेटा टेबल बनाना है और तीसरे में आपको बनाना है कस्टम ऑब्जेक्ट, किसी भी कस्टम ऑब्जेक्ट का एक डेटा टेबल, ठीक है। वो जो डेटा टेबल होगा आपका, वो डेटा टेबल का जो कंपोनेंट होगा जिसमें आप पेज ब्लॉक टेबल बनाओगे, वो आप तीनों में वीएफ कंपोनेंट बना के यूज करोगे, ठीक है। ठीक है, तो आप एक बार जो विजुअल फोर्स वाला दिया था नेक्स्ट फॉर्म खेलना चाहिए उसके लिए, जो वाला जो मैंने दिया था ये इसके बाद कर रहा हूँ। यस सर, ठीक है। इसमें अपन को क्या करना है, यहाँ पे एडिट और डिलीट एक्शन, जैसे मैं इस पे एडिट करता तो इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू एक फॉर्म में चली जाएगी और यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा अकाउंट वन, फोन नंबर का जो भी फोन नंबर वहाँ पे था वो, और यहाँ पे आ जाएगा अपना डिस्क्रिप्शन। अब मैं इसको क्या करूँगा, अपडेट करूँगा। अकाउंट वन को मैंने कर दिया अकाउंट टू, फोन को कर दिया फोन वन और डिस्क्रिप्शन को कर दिया डिस्क्रिप्शन वन। जैसे मैंने सेव किया, सेव होते ही ये वापस इसी पेज पे चले जाएगा जहाँ पे अपने पास अपडेटेड वैल्यू दिखेगी, ठीक है। अगर मैंने सेकंड रो को एंट्री को डिलीट कर दिया, डिलीट पे क्लिक कर दिया, तो वो डिलीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये असाइनमेंट था, तो आपने कुछ किया क्या? यस सर। अच्छा, एक बार आप अपनी स्क्रीन शेयर करो, बताओ। सर इस डेमो फॉर्म पे मैंने सारे अकाउंट के रिकॉर्ड डिस्प्ले कराए, नेक्स्ट पेज पे मैंने ठीक है। तो ये अभी आपने क्या किया, दो अलग अलग पेज बनाए है ना। यस सर। आपको क्या करना है, एक ही पेज बनाना है, एक ही पेज के ऊपर डेटा टेबल भी दिखना चाहिए और एक ही पेज के ऊपर फॉर्म दिखना चाहिए। जैसे आप डेटा टेबल के एडिट पे क्लिक करो तो आपकी जो डेटा टेबल है वो हाइड हो जाएगी और जो आपका फॉर्म है वो विजिबल हो जाएगा। फिर आप जैसे फॉर्म के सेव पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म हाइड हो जाएगा और आपकी जो डेटा टेबल है वो विजिबल हो जाएगी। और दोनों के लिए आपको जो डेटा टेबल है और फॉर्म है उसके लिए आपको क्या यूज करना है, वीएफपी कंपोनेंट। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेरी है जो आपने किया उसमें कुछ आपको आज पूछना है? कुछ चीज स्टक हो रही है सर, जैसे इसमें मैंने सेकंड पेज पे भेजा है ये कॉर्ड पे, तो ये इससे भी हो जाएगा नेक्स्ट पेज पे आईडी भेज कर? हो तो जाएगा, लेकिन अपन को क्या करना है, यहाँ पे विजुअल फोर्स कंपोनेंट को यूज करना है, मेन पर्पस ये है। होने को तो हो जाएगा, फिर वहां से आप सेव या कैंसिल करोगे तो वापस इस फॉर्म पे भेज, इस यूआरएल पे भेज दोगे, वो आपको दिख जाएगा। बट इसको आपको विजुअल फोर्स कंपोनेंट से करना है। ठीक है, शायद राकेश सर की लाइट चली गई है, पावर कट हो गया है।
ठीक है, तो आपको आज क्या पढ़ाया था राकेश सर ने? तो फ्यूचर मेथड के बारे में बता दें। ओके, हो गया वो पूरा? यस सर। तो अब आपका टेस्ट टेस्ट क्लास बचा है, क्यूएबल मेथड हो गए, नो सर, बैच नो सर, बैच हो गया, नहीं नहीं हुआ बैच भी नहीं, अभी फ्यूचर ही हुआ है। चलो ठीक है, अभी तो असिंक्रोनस पूरा बचा हुआ है। और राकेश सर तो अभी अवेलेबल हो नहीं पाएंगे क्योंकि पावर कट है। उसके अलावा किसी को कोई डाउट एंड क्वेरीज है वो बता दो, मैं वो सॉल्व कर देता हूँ। सर, प्रोसेस बिल्डर में भी हम एक लिमिट तक ही ईमेल भेज सकते हैं, ईमेल अलर्ट। प्रोसेस बिल्डर में यस सर। सर मैंने एक टास्क किया था तो उसमें एक लिमिट तक ही मेल जा रहे थे, मतलब तो फिर मैंने देखा कि प्रोसेस बिल्डर में 15 मेल ही भेज सकते हैं हम, तो अगर उससे ज़्यादा भेजने हो तो क्या करेंगे? पास एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन ये बोलती है कि आपका सिंगल ट्रांजैक्शन, एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर आप मैक्सिमम मेल कितने भेज सकते हैं और थ्रू आउट द डे कितने मेल भेज सकते हैं। तो आपका जो सिंगल ट्रांजैक्शन वाला मेल होता है ना, और जो अपना डेवलपर कंसोल देता है, वो अपन को इतना ही लिमिट देता है। अब इसमें लाइसेंस भी होता है, जैसे डेवलपर कंसोल है, डेवलपर कंसोल में अपन को कम लाइसेंस मिलता है कि आप एक बार में इतने ही मेल भेज पाओगे, वो भी आउटसाइड द सेल्स फोर्स ऑफ। ठीक है, आउटसाइड द कैसे, जैसे आपका ईमेल एड्रेस है, वो ईमेल एड्रेस आपने याहू का डाल दिया, जीमेल का डाल दिया, ठीक है, और वो ईमेल एड्रेस आपके यूजर पे लिंक नहीं है, तो उसमें भी लिमिटेशन है। ठीक है, और सेकंड लिमिटेशन लाइसेंस की, अगर आप डेवलपर में हो तो आपके पास डेफिनेटली लिमिटेड ईमेल्स की लिमिट है, वेयर एज आप प्रोडक्शन या वो दूसरी ग्रुप एडिशन पे काम कर रहे हो या प्रोफेशनल पे काम कर रहे हो, उस पर आपकी ईमेल लिमिट्स काउंट ज़्यादा है पर डे की। तो मैं एक लिंक शेयर करता हूँ आपको, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। इसको ओपन किया किसी ने? यस सर। इसके अंदर अपनी सारी की सारी लिमिट्स दे रखी है। तो इसमें अपनी सारी की सारी अपेक्स कोड रिगार्डिंग लिमिट्स है। ठीक है, आपका ईमेल का और शेयर करता हूँ।
ईमेल के लिए तो आप अपने लाइसेंस हॉक से मैक्सिमम पर डे में सिंगल ईमेल के तो 50,000 ईमेल आप पर डे बेसिस पे सेंड कर सकते हो, बट कंडीशन ये है कि वो लाइसेंस होनी चाहिए। और ईमेल की लिमिट आपके कॉन्टैक्ट के ऊपर, लीड के ऊपर या पर्सन अकाउंट के ऊपर और यूजर के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी भेज सकते हो। बट एक्सटर्नल मेल आप 5,000 से ज़्यादा नहीं भेज सकते, बट वो लाइसेंस हॉक होनी चाहिए और आपकी डेवलपर हॉक के अंदर 15। ये लिमिट आपकी फ्री हॉक और डेवलपर हॉक। ठीक है, यस सर। चलो फिर कल कंटिन्यू करते हैं अपन और सेंड वन जॉब से, है ना? ओके, थैंक यू ऑल।